हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल पीएल स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ शांगवन फैन फिक्शन का ब्लाइंड जेड विद सर्वेंट बॉय लेके आई हूँ। आई होप आपको ये पसंद आएगी स्टोरी लाइन। गाइस, किसी ने मुझे कहा था कि इतना पोजेसिवनेस अच्छी नहीं लगती, तो देखिए जो किड्स होते हैं ना, वो अपनी चीज़ों को लेके बहुत पोजेसिव होते हैं, चाहे वो अपना मदर का लव हो या फिर अपने सिबलिंग्स का लव। वो अपने सिबलिंग्स का लव भी किसी दूसरे बंदे से शेयर नहीं करते, अपने खाने पीने की भी चीज़ें लोगों से शेयर नहीं करते हैं। तो आपको पता होगा कि पोजेसिवनेस ये इसलिए नहीं होती कि वो दूसरों को हर्ट करना चाहते हैं, बस छोटे जो बच्चे होते हैं ना, उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी मम्मा, मेरे भाई बहन, मेरे पापा सिर्फ मेरे हैं, मेरा दादा दादी सिर्फ मेरे हैं। तो ये पोजेसिवनेस ऐसी नहीं है जैसी बड़ों में होती है, ये पोजेसिवनेस छोटे बच्चों वाली होती है। तो प्लीज़ जो बच्चे इसे अलग डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, वो अलग डायरेक्शन में मत लें, क्योंकि मेरे सराउंडिंग में भी जितने बच्चे होते हैं वो इस तरह के दोस्ती यारी या फिर जो भी उनके नज़दीक होते हैं, उन लोगों के प्यार के लिए पॉजिटिव हो जाते हैं। और वो पॉजिटिवनेस कोई ऐसी नहीं होती जलन की भावना या रियल वाली जो बड़ों में ईर्ष्या होती है, ऐसी नहीं होती। बस उन्हें ऐसा लगता है कि जो मेरा है सो मेरा है। और ऐसी चीज़ें मैंने बहुत बार देखी हैं। और लवांग जी के केस में जो पोजेसिवनेस है वो इसलिए नहीं है कि वो अभी भी विजयन से प्यार करता है या वो छोटा है, वो इसलिए है क्योंकि उसकी एक मामा होती थी। वो अपनी मामा के लिए इतना पोजेसिव था कि उनके घर जब वो मर गई थी तो उनके वहाँ जाके नील डाउन किया करता था। उसे लगता था उसकी मामा आएंगी, उसकी मामा चली गई लाइफ से, उसका भाई सेक्ट के कामों में व्यस्त रहने लगा था। और लेंचरन जो थे वो सख्त थे, पापा उसके साथ प्यार से बिहेव नहीं करते थे क्योंकि वो सेक्लूजन में रहते थे। और फिर वो कुछ टाइम बाद डेथ हो गई थी, तो एक वींग था जो उसके लिए उसकी मम्मा, उसके भाई हर चीज़ की जगह ले चुका था। तो इसलिए जो हमारा प्यारा लवांची होता है वो दूसरों के टच को रिफ्यूज़ करके वींग के प्यार को एक्सेप्ट करता है। और बचपन में वो प्यार वाला प्यार नहीं होता जो दो एडल्ट्स के बीच में होता है, ये प्यार वो होता है जो एक वार्म्थ के लिए होता है, जो एक क्रेविंग हर छोटे बच्चे को अपनी मदर, अपने फादर या फिर अपने किसी एल्डर की क्रेविंग के लिए होती है ना, वो क्रेविंग उसे विंग के लिए थी। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, नज़रिया नज़रिया होता है देखने वाले का। और अगर किसी को गलत लगता है तो वो आपका नज़रिया है, मेरा उस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करने का मतलब नहीं था, तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी है। थैंक यू। अगर किसी को कुछ बुरा लगता है तो वो उसका देखने का नज़रिया है, मेरा जो नज़रिया था मैंने उसे एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए इसे आगे हम शुरू करते हैं। वो दोनों के दोनों बहुत घंटों तक प्रैक्टिस करते हैं स्वॉर्डमैनशिप की, और लेंचिनचिन उनके लिए बहुत सारे फूड आइटम्स लेके आती है। विभूषण तो रिफ्यूज़ कर देता है बाहर जाने से, लेकिन वो नहीं जानता था क्योंकि कहीं ना कहीं वो लैन ब्रदर्स के अलावा अपने नए मूव्स किसी और को नहीं दिखाना चाहता था, और वो लैन ब्रदर्स को अपनी फैमिली कंसीडर करता है, जैसे लवांग जी वी वुजियन को अपनी फैमिली मानने लगा था। गाइस, लैन चिनचिन उनके लिए क्रीमी कैरेट टोमेटो कैप्सिकम सूप लेके आती है, कैरेट स्वीट डिज़र्ट लेके आती है विद ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसी स्टफ्ड ब्रिंजल पोटैटो फिलिंग रिच ब्रेड थिन शीट, और वी वुजियन लवांग जी के लिए वो स्पिनच सूप लेके आती है, जो कि स्पिनच सूप में लवांग जी के लिए तो वो माइल्ड स्पाइसी लेके आती है, लेकिन वी विजयन के लिए एक्स्ट्रा स्पाइसी सूप लेके आती है। वो लोग अपने खाने को, उन सूप को बहुत इंजॉय करते हैं, उनकी टमी एकदम फुल हो जाते हैं, उनके लिटिल लिटिल टमीज। और वो दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा पसीने में भरे हुए थे, छोटे थे, बच्चे थे और प्रैक्टिस कर रहे थे। तो लेंचिनचिन जो होती है उनके लिए एक हॉट वाटर बाथ प्रिपेयर करती है। बीबी लवांग जी वींग जो है वो एक साथ बात लिया करते थे। गाइस, ये छोटे हैं तो आप लोग कुछ भी ऐसा मत सोचना कि बड़े बच्चे हैं या ऐसे नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि छोटेपन में हम भाई बहन भी जो होते हैं ना, जो छोटे होते हैं बहुत उम्र में, उन्हें भी साथ नहला दिया करते हैं, तो बचपन में ऐसी कोई गलत भावना नहीं होती। तो मैं ये आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ। वी विजयन बेबी लवांग जी के बालों को जो है साबुन लगाता है, क्योंकि लवांग जी देख नहीं सकता था तो वो उसके बाल धोने में मदद किया करता था, और वो लवांग जी को टीज किया करता था बहुत ही ज़्यादा, कभी उसके गाल खींच के, कभी उसकी नोज पिंच करके, फिर वो लवांग जी के क्यूट से बेबी चीक्स पे किस कर देता है और लवांग जी ब्लश करने लगता है। और वहाँ पर लवांग जी जो है एक गाना गुनगुना रहा होता है और हेड मसाज दे रहा होता है विभूषण को अपने छोटे छोटे हाथों से।
वी विजन इंजॉय करता है ये लग्जरी ट्रीटमेंट, क्योंकि वो बच्चे होते हैं, उन्हें मज़ा आता होता है। आ मैं तेरे बाल बना दूँ, आ मैं तेरे को शैम्पू लगा दूँ। वी विजन भी एक बबल का छोटा सा ना टियारा सा बनाता है और लवांग जी के सिर पे रख देता है और कहता है, मेरा ब्यूटीफुल अनजा, ये बबल टियारा के साथ कितना प्यारा लग रहा है। लवांग जी जो है वी विजन के छोटे छोटे एफर्ट जो उसे खुश करने के लिए वो लगाया करता था, उससे वो बहुत खुश होता है। वो दोनों साथ बात लेते हैं, एक दूसरे को क्लीन करते हैं और टॉवल के अंदर घुस जाते हैं फटाफट से, छोटे बच्चों की तरह। वो एक दूसरे की हेल्प किया करते थे रोप्स पहनने में। वी विजन जो है लवांग जी के बालों को सुखाता है और एक गरम ना कोल इंसेंस होता है, उसकी हेल्प से वो लोग अपने अपने बाल सुखाया करते थे। वो जो है लवांग जी को उसकी मदर की तरह केयर किया करता था। वो उसकी दो चोटी भी बनाता है जब लवांग जी के बाल सूख जाते हैं, और लवांग जी क्यूट बेबी गर्ल की तरह दिख रहा होता है। वी विजन उसे हुक करके कहता है, माई ब्यूटिफुल लंजा, तुम्हारी ब्यूटी जो है ना वो किसी के साथ भी तुलना करने लायक नहीं है, तुम बहुत सुंदर हो। माई प्रिंसेस लंजा, माई स्वीट प्रिंसेस, वो उसे रानी बोला करता था, क्यूट सी। और लवांग जी जो है इमोशनल हो जाता है, वी विजन इतने एफर्ट डाला करता था उसे हर टाइम खुश रखने के लिए। और ये टाइम लवांग जी वी विजन से पूछता है, लवांग जी जो है वी विजन के बाल क्या कंघी कर दे। लवांग जी जो है वो देख नहीं सकता था, वो ब्लाइंड था, लेकिन वो वी विजन के जो बाल थे उन्हें कंघी करना चाहता था। उसे लगता था शायद वो हर काम में परफेक्ट है, तो क्या पता वो वी विजन के बालों को भी, जैसे वी विजन उसके बालों को छेड़ रहा था, गुत बना रहा था, तो क्या पता वो भी, वो जो है उसकी उंगलियां चलने के तौर पर वो भी सीख गया हो। वो वी विजन के बाल बनाता है, लेकिन वो एकदम ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने उसके सिर पे घोंसला खड़ा कर दिया हो। वी विजन इतना ज़्यादा गंदा लग रहा होता है, वो ऐसा लग रहा होता है कि कोई भूतनी केव से निकल के बाहर आ गई हो। वी विजन को खुद को देख के मिरर में हार्ट अटैक आ जाता है। सॉरी, मैं अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रही। वी विजन का मन तो कर रहा था कि वो ज़ोर से चिल्ला दे अपने आप को मिरर में देख के, लेकिन वो बेचारा कुछ भी ऐसे वर्ड नहीं बोल पाता, क्योंकि वो जानता था कि लवांग जी कहीं ना कहीं हर्ट हो जाएगा अगर उसे पता चला कि उसने वी विजन को बहुत ही भद्दा बना दिया है। लवांग जी एक ब्लाइंड था, वो नहीं देख सकता था, और अगर हम किसी को बोल दें कि तुमने हमारी इतनी बुरी हालत कर दी है, तो शायद उन्हें अपने ऊपर थोड़ा सा डर लगे या कॉन्शियस हो जाए, तो इसलिए वी विजन झूठ बोलता है, वाओ लंजा, तुमने मुझे एकदम एंजल बना दिया है। लेकिन अंदर ही अंदर वो कह रहा था, मैं तो कोई भूतनी जैसा लग रहा हूँ, और मुझे देख के तो मतलब कोई डेमन भी होगा ना वो भी भाग जाएगा, मैं कितना गंदा लग रहा हूँ। लेकिन वो लवांग जी के सामने एक भी शब्द नहीं बोल पाता। वी विजन जो है लवांग जी के सेंटिमेंटल्स को कभी भी हर्ट नहीं करना चाहता था। वो उस गंदे से भद्दे से हेयर स्टाइल को पूरा दिन अपने बालों में बना के रखता है, क्योंकि वो जानता था इससे लंजा खुश हो जाएगा। वो जिंक्षी में ही रहने वाला था क्योंकि आज बाहर बहुत ठंड थी, तो वो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी इस हेयर स्टाइल को कैरी करना, लेकिन वो बाहर तो इस हेयर स्टाइल के साथ बिल्कुल नहीं जान सकता था, क्योंकि वो जानता था कि वो कितना हॉरेबल लग रहा है, और उसे दूसरे लैंड डिसिपल्स ने देखा तो उन्हें तो अटैक ही आ जाएगा या ज़ोर से चिल्ला के भाग ही जाएंगे। इवन लैंड चरण ने भी अगर उसे देखा तो शायद उस ओल्ड बंदे को भी, उस ओल्डी को भी उसे देखकर कहीं ना कहीं अटैक पड़ जाएगा, तो वो कुछ नहीं बोलता। उसको खुद को देखकर भी शीशे में डर लग रहा था, लेकिन वो लंजा का दिल रखता है। इससे पता चलता है कि अगर आप किसी बंदे को प्रेज़ करें, उसका दिल ना दुखाएं, तो आपका रिश्ता हमेशा स्मूथ चल सकता है। कुछ कभी कभी कुछ चीज़ें बोलने लायक नहीं होती, बस आपको समझना चाहिए दूसरे के सेंटीमेंट्स को। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं, लवांग जी और वी विजन 14 साल के हो जाते हैं। लैन चिंचन जो थी वो लवांग जी को कि बहुत बॉडी में आने वाले चेंजेस के बारे में उससे बात करना चाहती थी। ये सारा कुछ गाइस इमेजिनेशन बेस्ड है, तो कोई भी इसे पर्सनली मत लेना। इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो चैप्टर्स को स्किप कर सकते हैं, इवन स्टोरी लाइन को भी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो, तब लैन चिंचन बोलती है, यंग मास्टर लैन,
मैं आपसे किसी बारे में बात करना चाहती हूँ जो कि बहुत पर्सनल मैटर है। लैन चिनचिन भी एक गेयर थी और वो एल्डर भी थी। लैन चिनचिन जो है लुवांगजी से इस बारे में बात करना चाहती थी क्योंकि अब वो टीनेज एज में था। अब वो 14 साल का हो गया था और उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होने वाले थे। लुवांगजी से रिप्लाई करता है, आंटी चिनचिन आप मुझसे कुछ भी बात कर सकती हैं विंग के सामने, मुझे विंग के सामने कुछ भी हाइड करने की ज़रूरत नहीं है। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मेरी देख रेख करता है, मैंने उससे कभी कुछ नहीं छुपाया। विंग जो है वो लुवांगजी के बाल बना रहा होता है और वो क्यूट सी दो लिटिल जो है चोटियाँ बनाता है लुवांगजी के बालों में। वो उसे लुवांगजी को एक प्रिंसेस की तरह तैयार करना बहुत अच्छा लगता था। तभी जो आंटी चिनचिन होती है लुवांगजी ने बोलता है, सॉरी विवो जानो ने बोलता है, आंटी चिनचिन मेरा लहजन तो बिल्कुल प्रिंसेस की तरह लग रहा है इन दो चोटियों में। लुवांगजी ब्लश करने लगता है। जब भी विवो जानो उसकी ब्यूटी को इस तरह प्रेज किया करता था ना, वो सच में चाहता था कि वो एक बार अपने आप को मिरर में देख पाता। वो क्यों है ब्लाइंड, काश वो विभूषण जो बोलता है ना वो खुद को एक बार देख पाता। लुवांगजी को ना कभी फील नहीं हुआ कि वो ब्लाइंड है, लेकिन जब जब विभूषण उसको तारीफ़ किया करता था ना, उसका पहली बार ज़िंदगी में दिल हुआ करता था कि वो अपने फीचर्स को देखे, कि वो विभूषण से अपने बारे में इतना कुछ सुनता है। उसका बेस्ट फ्रेंड उसके लिए एक पोयम लिखा करता था जिसमें वो विभूषण लुवांगजी की ब्यूटी को डिस्क्राइब किया करता था अपने ही वर्ड में, जो कि पोयम थी, चांदनी रात में तुम्हारे चांद से चेहरे की खूबसूरती को देख चंदा मामा भी शर्मा जाए, सब तारे तुझे निहार के यूं ही मुस्कराए, तेरी खूबसूरती के आगे जुगनू भी तुम्हारा प्रकाश झुककर जाए, सूरज की पहली किरण भी चूम के तेरा माथा यूं ही खिलखिलाए, फूल तुझे देख के लाल गुलाबी रंग के हो जाएं, तेरे बिना मेरी शामें पूरी ना हो पाए, तेरे बिना मुझे रात को चैन ना आए, तेरी गोदी में रख सर मैं चैन से सो जाऊं, तेरी लंबी जुल्फों में मेरी जिंदगी यूं ही बीत जाए, तुझे देख के ये आसमां भी झुक जाए, तेरे पैरों में कोई कांटा ना चुभने दूं, तुझे हमेशा सीने से लगा के रखूं, तेरी बाहों में मेरी सारी उम्र तेरे संग यूं ही बीत जाए, तेरे जैसे लहरों को साहिलों की तलाश है, जैसे मेरा साहिल लंचा मेरे पास है, दुनिया इधर से उधर हो जाए बस मुझे मेरा यार, मुझसे मेरा यार कभी दूर ना जाए। ये पोएट्री भी विज्ञान ने लंचा के लिए लिखी होती है। लैन चिनचिन रिप्लाई करती है, यंग मास्टर वे हमारे यंग मास्टर लैन सबसे ब्यूटीफुल गेयर हैं इस पूरे वर्ल्ड में, मैंने इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल गेयर नहीं देखा और मैंने सच में इतने ब्यूटीफुल जेड जो हैं गुसू लैंसेक्ट में कभी नहीं देखे। विभूषण कहता है, आंटी चिनचिन मेरा लंजा है ही बेस्ट। आंटी चिनचिन सिर हिलाती है और स्माइल करती है और वो कहती है, यंग मास्टर लैन मैं आपसे किसी बारे में प्यूबर्टी यानी कि जब इंसान जवान होने लगता है उस बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। आप एक गेयर हैं और आप एक टीनेज एज में भी हैं। मैं अपने चैप्टर को यहाँ ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये शायरी जो मैंने लंचा के लिए लिखी है वो पसंद आएगी, पर इमेजिन कीजिए ये विभूषण ने उसके लिए लिखी है। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आए तो मेरी वीडियोज़ को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।